गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित मैन प्रकाश। आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर चर्चा करेंगे। तो हमारी इसमें सेकेंड यूनिट हमने खत्म कर दी थी, आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड यूनिट में हमारी है एक्सप्लोरिंग लर्निंग्स, यानी खोज अधिगम। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा मोटिवेटिंग लर्नर टू ब्रिंग हर प्रीवियस नॉलेज इन साइंस बायोलॉजी गेन्ड थ्रू क्लासरूम एनवायरनमेंट पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप। कक्षा, पर्यावरण, माता पिता और सहकर्मी समूह के माध्यम से प्राप्त विज्ञान जीव विज्ञान में अपने पिछले ज्ञान को लाने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें पहला हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड्स, यानी किसके थ्रू हम वापस अपने ज्ञान को वापस ला सकते हैं। तो बालक की प्रत्येक अवस्था की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। आधुनिक युग में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें यह बताता है कि किसी भी विषय का शिक्षण तब तक सफल एवं पूर्ण नहीं हो सकता जब तक बालक की आयु उसकी विशेषताओं एवं आवश्यकताओं पर उसे आधारित ना किया जाए। अतः जीव विज्ञान के क्षेत्र में विषय वस्तु के साथ साथ उनकी शिक्षण विधियां भी पर्याप्त महत्व रखती हैं, जिनका निर्धारण अध्यापक अपनी तथा अपने छात्रों की योग्यता एवं विषय वस्तु के आधार पर करता है। और इसी विषय वस्तु के माध्यम से छात्रों को जीव विज्ञान का ज्ञान से संबंधित अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। शिक्षक विधियां यह बताती हैं, शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड्स शिक्षक को यह बताती हैं कि वह अपने छात्रों को किस तरीके से शिक्षा प्रदान करे। यह सत्य है कि जिस प्रकार सत्य मार्ग के अभाव में एक व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार से उचित विधि के अभाव में छात्र को सही ज्ञान नहीं दिया जा सकता। यानी जब हमें सही रास्ता पता नहीं होगा तो हम सही जगह नहीं पहुंच सकते। उसी तरीके से छात्र को अगर सही ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो वह सही विषय के सही ज्ञान पर नहीं पहुंच सकता है। जीव विज्ञान शिक्षक को कक्षा में पढ़ाने के लिए विधियों का चयन करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में विधि का सहयोग, दूसरा है जीव विज्ञान शिक्षक का उस विधि विशेष संबंधी ज्ञान, तीसरा विधि विशेष के लिए आवश्यक उपकरणों एवं सामग्री की विद्यालय में सुविधाएं, अगला विधि का क्रियात्मक स्वरूप, अगला छात्रों की कक्षा एवं आयु तथा योग्यता का स्तर, अगला छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नता के लिए स्थान, अगला है। तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे छात्रों को सही ज्ञान प्राप्त हो सके। विज्ञान के संबंध में अभी तक क्या और क्यों पर ही विचार किया गया है, परंतु विज्ञान को प्रभावशाली ढंग से कैसे पढ़ाया जाए अथवा हाउ टू रीच साइंस, इसको कैसे समझाया जाए, संपूर्ण शिक्षक वर्ग के लिए कठिन समस्या बनी हुई है कि विज्ञान का ज्ञान बच्चों को कैसे देना है, उनके अंदर कैसे विज्ञान को निर्धारित करना है और कैसे उनको विज्ञान के लिए पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों का जवाब हम शिक्षण विधियों के आधार पर ही दे सकते हैं। विधि मेथड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जिसका अर्थ है तरीका, यानी इंग्लिश में हम इसे मोड कहते हैं, अथवा रास्ता या मार्ग जिसे हम इंग्लिश में वे कहते हैं। इस प्रकार विधि से आशय वैज्ञानिक ज्ञान तथा कुशलताओं को एक अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाने और हस्तांतरित करने के मार्ग अथवा तरीके से है। इट मीन्स द मेथड ऑफ डिलीवरिंग एंड ट्रांसमिटिंग साइंटिफिक नॉलेज
scientific knowledge and skills by a teacher to his pupils. इसका मतलब है कि हम साइंटिफिक ज्ञान को हम छात्रों में कैसे पहुंचा सकते हैं, उस तरीके को हम मेथड कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि से आशय क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, यानी जैसे हम पढ़ाएंगे तो छात्र को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, विज्ञान और विज्ञान को कैसे पढ़ाना है, हाउ टू टीच साइंस एंड और हाउ टू अप्रोच साइंस से है। यानी यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि हम छात्र को विज्ञान कैसे पढ़ाएंगे। तो विज्ञान को पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं कि छात्र को समझा कर, प्रयोग करके दिखा कर और उसे अच्छे से समझा कर कि उसे प्रयोग करने दें, फिर प्रयोग करने के बाद उसे समझाएं कि ये प्रयोग ऐसे होता है और इस तरीके से वो विज्ञान को समझ सकता है। उस पर किताबी ज्ञान के लिए फोकस ना करें कि वो किताबी कीड़ा बन जाए और किताबी ज्ञान उस ज़्यादा ना करें, उसे प्रयोग करके देखने दें जिससे उसे जिससे उसके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अतः ज्ञान के संसार वर्ल्ड ऑफ नॉलेज की छात्रों के मस्तिष्क में व्याख्या करने की प्रक्रिया ही विधि कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज टू पीपल्स माइंड इज कॉल्ड द मेथड ऑफ टीचिंग। तो यह विज्ञान पढ़ाने या सिखाने का रास्ता है। इट इज जस्ट ए वे टू टीच साइंस। निम्न चित्र की सहायता से इसे आसानी से समझा जा सकता है। वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, मेथड ऑफ टीचिंग और वर्ल्ड ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज, यानी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज और वर्ल्ड ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज दोनों कनेक्ट हैं। किसके द्वारा? मेथड ऑफ टीचिंग के द्वारा, कि मेथड टीचिंग के द्वारा ही दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसको हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। ज्ञान के संसार में ज्ञान, अनुभव, रुचि, मनोवृत्ति, कौशल आदि समाहित होते हैं। ये सब अर्थात ज्ञान के व्यवहार में व्यवहार के तीनों पक्ष संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक अथवा गत्यात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। इसलिए ज्ञान बहुत सीधा, सिंपल और सरल होता है, इसको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इंक्लूड्स नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स, इटीसी, लाइक इट इन्वॉल्व्स द ऑल द थ्री डोमेन्स ऑफ बिहेवियर, दे आर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो यहाँ पर हम इसको भी ऐसे समझ सकते हैं, ए एंड बी, ये दो हमने लिखे हैं, तो द वे ऑफ रीच लाइक मेथड, यानी विधि के द्वारा हम दोनों ए से बी तक पहुँच सकते हैं। तो ए जो है हमारी, वो बच्चे की वर्तमान स्थिति या परिस्थिति है, प्रेजेंट पोजिशन, ए सिचुएशन ऑफ चाइल्ड लाइक एंटरिंग पोजिशन बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। दूसरा बी, बच्चे की बाद की स्थिति जिसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, पोस्ट पोजिशन ए सिचुएशन ऑफ द चाइल्ड लाइक टर्मिनल पोजिशन बिहेवियर ऑफ चाइल्ड। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अर्थात बच्चे को वर्तमान स्थिति या परिस्थिति, पृष्ठ विहार व्यवहार से अंतिम स्थिति परिस्थिति या अंतिम व्यवहार तक पहुंचाने का तरीका या रास्ता ही शिक्षण विधि कहलाता है। द वे ऑफ रीच टर्मिनल पोजिशन बिहेवियर फ्रॉम एंटरिंग पोजिशन बिहेवियर इज कॉल्ड मेथड ऑफ टीचिंग। इसी को हम मेथड टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं।